हेलो माय सपोर्टर्स। तो यहाँ पर आज बन रहा है वेज लॉलीपॉप। तो वेज लॉलीपॉप मेरा फर्स्ट टाइम मैं ट्राई कर रही हूँ, सो थोड़ा सा ही बना रहे हैं। ये ना कद्दूकस किया हुआ पत्ता गोभी है। चॉपर हो तो चॉपर पे आप चॉप कर लो पत्ता गोभी को, और इसका वाटर को आप ऐसे करके निकाल दोगे। तो ये मेरा वाटर, इसका अनियन है, ये थोड़ा सा गाजर, हरी मिर्च है, धनिया पत्ती है, और ये भुने वाले सॉल्टेड पीनट है। आपको मार्केट पे भी मिल जाएगा, ले लेना थोड़ा सा। इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए मैं एक एक करके सब बताते जाती हूँ। सारा कुछ आप ऐसे करके ऐड कर लो। एक सैलेड टाइप से बन जाएगा। इस पोजीशन पर आपको इस पे ना सॉल्ट ऐड करना है, जिससे और भी वाटर जो भी बचे हैं एक्सेस वो रिलीज हो जाए। उसके स्क्वीज करके फिर आप इसे अलग कर लो। तो टेस्ट के अकॉर्डिंग ही आप ऐड करना। रेड चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो, आप स्किप भी कर सकते हैं, बिकॉज हमने ना यहाँ ग्रीन चिली ऑलरेडी मिलाया है। जरा सा टेस्ट के लिए मैं इस पे ना सेजवान चटनी ऐड करूंगी। ये जिंजर गार्लिक पेस्ट, अब इस पर हम कॉर्न फ्लोर को ऐड करेंगे अपने। बिल्कुल जरा सा मैदा भी ऐड करते हैं। सेम यही प्रोसेस ना मंचूरियन के लिए भी है। अगर आप लोग मंचूरियन ट्राई करना चाहते हैं तो सेम ऐसे ही बनने वाला है वो भी। और इसका आपका बाइंडिंग सही से हुआ है कि नहीं, इसके लिए आप क्या करो ना, ऐसे ऐसे छोटा सा ऐसे बनाओ, इसको ऐसे होल्ड करो। अगर वो टूट रहा है मतलब इसमें अभी और बाइंडिंग की जरूरत नहीं। मिक्सचर हमारा रेडी हो चुका है। अगर आप लोगों को ना मार्केट जैसे बनाना है तो आप इस पे ना फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं, बट मैंने ही नहीं किया है। आप थोड़ा सा हल्दी भी ऐड कर सकते हैं तो इससे कलर आपका अच्छा आ जाएगा। ऐसे आपके पास ना चाट वाली जो स्टिक होती है ना चम्मच, अगर आपके पास हो या फिर स्टिक हो आइसक्रीम वाली, तो आप उस पर क्या करना, इसका ऐसे राउंड करके ऐसा बॉल बनाना। ऐसा प्रेस करके ना इसको शेप पे ले आते हैं। अगर आप लोगों को स्टोर करके रखना है ना, तो आप फ्रिज पर भी ऐसा करके आप रख सकते हो। फिर जब भी आप लोगों को बनाना हो तो फ्राई करो ऑयल पर और खा लो। और प्लेट पर ना ऐसा ऑयल को थोड़ा सा फैला लेना, जिससे चिपके नहीं आपके ऑयल। बना करके हम रख लेते हैं। तो इसे ना मैंने थोड़ी देर के लिए फ्रीजर पर रख दिया था ताकि वो सेट हो जाए, हमारे टूटे नहीं, जैसे हम इस पर अपने ऑयल पर डालें। ऑयल हमारा हीट हो रहा है, इस पर एक्चुअली पूरी आम बन रही है ऑलरेडी। और ये मेरे ना चार ही बने थे, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ तो थोड़ा सा ही क्वांटिटी पे बना रही थी कि कहीं कुछ खराब हो जाता है तो वेस्ट नहीं जाए। तो ऑयल हमारा ऑलरेडी हीट पे है, इस पर मैं एक डाल करके ऐसा चेक करती हूँ। तो आप आराम से केयरफुली ऐसा एक एक करके ऐसा डालते जाओ। इसे अभी टच नहीं करना है, जैसे थोड़ा सा ना इस गोल्डन कलर आ जाएगा नीचे से, इसके बाद ही आप इसे टर्न करना। तो फ्राई करने के बाद पर मैं इसे दिखाती हूँ। और हाँ, एक सजेशन है, मीडियम फ्लेम पर आप इसे ना डीप फ्राई करना, ताकि इसका जो कलर है ना जले नहीं, अंदर तक पे अच्छे से स्टीम हो जाए, कुक हो जाए।
तो आप लोगों के लिए यहाँ पर एक टिप है, जैसे ही ना आपका हाफ फ्राई हो जाए तो आप इसे ना निकाल लो और वापस से थोड़ा देर रेस्ट करने के बाद में फ्राई करो। इससे ये होगा कि आपका ना कलर भी चेंज नहीं होगा, ऐसे सुनहरा कलर रहेगा और अच्छे से क्रिस्प आ जाएगा। तो मार्केट पे भी आप लोग देखते होंगे ना, मंचूरियन वाले हाफ फ्राई करके लोग रख लेते हैं, फिर से फ्राई करके आपको सर्व करते हैं, तो आप भी ऐसे ही करना। तो हमारे वेज लॉलीपॉप बन के तैयार है और काफी क्रिस्पी बने हैं और घर पे बनाया है तो हेल्दी भी है, बिना कलर का, बिना मिलावट का, अच्छा ही से हम लोग ने बनाया। काफी वेजी यूज किए हैं, दिख भी रहे होंगे बाहर तक। मार्केट वाले पे तो आपको मैदा कॉर्नफ्लोर ही ज्यादातर दिखता है, वेजी तो देखने को भी नहीं मिलता होगा, थोड़ा बहुत ही टेस्ट आता है उसका। तो ऐसे घर पर बनाओ, बहुत ही फास्ट बन जाता है। मैंने तो फर्स्ट टाइम बनाया, काफी अच्छा बना है, टेस्ट पे भी अच्छा है। थोड़ा सा हमने टेस्ट करके देख लिया था पहले ही नमक वगैरह कैसा। तो आप लोग भी जैसे बनाओ ना, तो थोड़ा सा आप ऑयल पर इतना सा ऐसा तोड़ करके डाल के टेस्ट कर लो कि सॉल्ट और नमक मिर्च मतलब कैसा है आपका टेस्ट पे। इसके अकॉर्डिंग आप लोग ना अपने मिक्सचर पर बैलेंस कर सकते हो पहले ही, इसके बाद पर आप इसे सेव देना। तो ये भी मेरी एडवाइस आप लोगों के लिए। तो बनाओ, खाओ और मजे करो। अगर आप लोगों को भी मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो और लोगों के साथ भी शेयर करो। मेरी YouTube की नई जर्नी है तो आप लोगों का तो बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है मुझे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग माई YouTube चैनल एंड वीडियोज़।